गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग पराग को संवर्धन की बात कर रहे थे कि एंथर का कल्चर कैसे किया जाता है। तो एंथर से पहले पोलन ग्रेन को सेपरेट करेंगे और पोलन ग्रेन को सेपरेट करके उनको पोषक पदार्थ पर ले जाकर कल्चर मीडिया पर ले जाकर के उनका संवर्धन करते हैं, जिससे क्या प्राप्त होता है, हमको पादप प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन एम्ब्रियो कल्चर, जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो का संवर्धन कैसे किया जाता है, कैसे उसको हम कल्चर मीडिया पर संवर्धन माध्यम पर ले जाते हैं, कैसे उसका कल्चर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 12th में एक डायग्राम देखा होगा कुछ इस प्रकार से। जिसको हम क्या कहते हैं, बीजांड। ये जो कंप्लीट संरचना है, ये संरचना है बीजांड की। बीजांड के अंदर ये जो पार्ट है वो कहलाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर नीचे की तरफ यहां पर होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, क्योंकि अभी जब आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एम्ब्रियो का कल्चर किया जाता है, क्योंकि यहाँ एम्ब्रियो के अंदर एग सेल प्रेजेंट होती है, तो कल्चर किसका करेंगे हम, एग सेल का। अवृत पादप प्राप्त करेंगे और वो अवृत पादप हमको हैप्लोइड पादप किससे प्राप्त होंगे, हमको एग सेल से। तो यहाँ बीजांड के अंदर न्यूसेलस, ऊपर वाली जो पूरी संरचना होती है, सॉरी ऊपर का पार्ट होता है न्यूसेलस। अब यहाँ जो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या उपस्थित होती है, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एग सेल। तो ये जो एग सेल है, यही एग सेल हमारे आगे काम आने वाली है। वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो यहां जो परिवर्धित हो रहा जो भ्रूण होता है, जो परिवर्धित इस परिवर्धित भ्रूण को हम बीजांड से अलग करते हैं। सबसे पहले बीजांड से अलग करते हैं, इसको बीजांड से अलग करके हम इसको कहां ले जाएंगे, पोषक माध्यम पर। इसको पोषक माध्यम पर ले जाते हैं, और पोषक माध्यम पर ले जाने के बाद में इसका होता है संवर्धन, और संवर्धन के बाद में हमको क्या प्राप्त हो जाता है, पुनः। तो एक छोटे सी बात या फिर एक छोटी सी लाइन हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो परिवर्धित हो रहा भ्रूण होता है, जो बीजांड के अंदर प्रेजेंट है, उसको बीजांड से अलग कर पोषक माध्यम पर संवर्धित करके जो पादप प्राप्त होते हैं, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, भ्रूण संवर्धन कहलाती है। कहां से कहां तक की, बीजांड से एम्ब्रियो को सेपरेट करना, उसको पोषक पदार्थ पर ले जाना, और ले जाने के बाद में वहां प्लांट का फॉर्मेशन करना, पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, भ्रूण संवर्धन कहलाती है। अब इस भ्रूण संवर्धन को सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया था, तो भ्रूण संवर्धन को जो सबसे पहले रिपोर्ट किया था वो किया था हैनिंग। भ्रूण संवर्धन को सबसे पहले हैनिंग ने रिपोर्ट किया था, और ब्रेसी केसी के मेंबर्स ने किया था, ब्रेसी केसी के सदस्यों ने। ब्रेसी केसी का एक तो कॉकलेरिया,
और एक ग्रेफाइनस। इन दोनों मेंबरों के अंदर यहाँ सबसे पहले हैनिंग ने एम्ब्रियो समर्थन को रिपोर्ट किया था। अब यहाँ जो एम्ब्रियो हमारे पास प्रेजेंट है, क्योंकि एम्ब्रियो की भी अपनी कुछ अलग से खासियत होती है, कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं। जब तक एम्ब्रियो की संरचना गोल है, जब तक एम्ब्रियो की संरचना गोल है, तब तक तो ये डिपेंडेंट होता है अदर सोर्स पर। और अदर सोर्स यहाँ कौन होता है? एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोष। जो भ्रूण कोष होता है, भ्रूण कोष के ऊपर जो एम्ब्रियो होता है डिपेंडेंट होता है किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। तो यहाँ जब तक संरचना में गोल होता है, तब तक ये एम्ब्रियो सैक से अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण प्राप्त करता है। लेकिन इससे आगे संरचना जैसे ही परिवर्तित हो जाती है, हार्ट शेप हो जाए या कोई अलग यहाँ पर आकार आकृति आ जाए, तो फिर ये कैसा हो जाता है? स्वयंपोषी हो जाता है। फिर ये एम्ब्रियो सैक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये चीज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब हम बीजांड से एम्ब्रियो को अलग कर रहे हैं, बीजांड से जिस वक्त हम एम्ब्रियो को अलग कर रहे हैं, तो हम कहां लेके जाएंगे उसको? पोषक माध्यम पर। अब पोषक माध्यम पर जब इसको लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पोषक माध्यम एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आगे की ग्रोथ एम्ब्रियो जब पोषक माध्यम में करेगा, तो उसकी जो संरचना है, उसका जो संगठन है पोषक माध्यम का, वो एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैसे? अगर परिपक्व एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो अगर मैच्योर है, परिपक्व है, तो इसके लिए जो कल्चर मीडिया होता है, पोषक माध्यम जो होता है, उसमें सुक्रोज की अधिकता होनी चाहिए। उसके अंदर सुक्रोज की अधिकता होनी चाहिए, तब यहां पर रिजल्ट कैसा होता है? बेस्ट। अगर मैच्योर एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो के लिए हम कल्चर मीडिया तैयार कर रहे हैं, तो वो कल्चर मीडिया सुक्रोज की अधिकता वाला होना चाहिए। और सुक्रोज की अधिकता वाला कल्चर मीडिया है, तो यहां पर एम्ब्रियो बहुत जल्दी प्लांट में चेंज हो जाएगा। और कैसे होगा? क्योंकि हम बराबर लगातार जल्दी जल्दी यहाँ पर क्या होंगे? डिवीजन होंगे। तो डिवीजन होंगे तो यहाँ जल्दी ही प्लांट का निर्माण हो जाएगा, कैलस जल्दी बनेगा, अंग विभेदन जल्दी होगा और एट लास्ट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ एम्ब्रियो अपरिपक्व है, अपरिपक्व कहें या तरुण कहें, तो दोनों ही अवस्था क्या है? इमैच्योर। तो यहाँ पर जब हम कल्चर मीडिया बना रहे हैं, तो इसके अंदर कार्बनिक प्लस अकार्बनिक, पदार्थों का मिक्सचर होता है। इसलिए जिस वक्त हमने बीजांड से एम्ब्रियो को पृथक किया है, हमें पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो मैच्योर है, इमैच्योर है, जिस प्रकार का है उसी प्रकार के संवर्धन माध्यम में ले जाकर के इसको क्या करेंगे? हम रखेंगे, संवर्धित करेंगे। तो यहाँ जब हमने यहाँ पर एम्ब्रियो को पहचान लिया, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर कल्चर मीडिया तैयार कर दिया, तो इसका संवर्धन कैसे करते हैं? एम्ब्रियो का संवर्धन कैसे करेंगे? तो एम्ब्रियो का जो संवर्धन होता है, संवर्धन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। यहाँ पर जो संवर्धन की प्रक्रिया होती है, वो संवर्धन की प्रक्रिया दो प्रकार से, कैसे? सबसे पहले बीजांड से हमने एम्ब्रियो को पृथक किया। अब यहाँ हमको पता है एम्ब्रियो मैच्योर है, इमैच्योर है, किस प्रकार का है हमको पता है, क्योंकि इससे पहले अभी हम बात कर चुके हैं इस बारे में। एम्ब्रियो को पृथक किया, एम्ब्रियो को पृथक करके हम इसको क्या करेंगे? निर्जमीकृत, स्टरलाइज।
इसको निर्जमीकृत करेंगे और ले जाकर कहाँ ले जाएंगे इसको, कल्चर मीडिया पर, पोषक पदार्थ पर ले जाएंगे। और यहाँ पोषक पदार्थ पर ले जाने के बाद में उस समय पश्चात उनको प्लांट प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हो जब यहाँ पर किसी भी एक्सप्लांट को ले जाया जाता है तो पहले कैलस बनता है, फिर अंग विभेदन की प्रक्रिया होती है, फिर प्लांट लेट पादपक बनता है और उसके बाद में आप प्लांट बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक की एक प्रोसेस तो ये होती है जो सीधी सादी होती है, लेकिन सभी एम्ब्रियो डायरेक्टली पोषक माध्यम पर वृद्धि नहीं कर पाते। अगर डायरेक्टली पोषक माध्यम पर सभी एम्ब्रियो वृद्धि कर लेते तो हमारे पास में सीधा सीधा मेथड है, विधि है हमारे पास में, हम डायरेक्ट प्लांट प्राप्त कर लेते। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी एम्ब्रियो होते हैं जो सीधे पोषक माध्यम पर वृद्धि नहीं कर पाते। अब सीधे पोषक माध्यम पर वृद्धि नहीं कर पा रहे तो अब इनके लिए हमको कुछ अलग से चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना है आप लोगों ने, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए क्या करते हैं, एग और स्पर्म दोनों को लैबोरेटरीज के अंदर अलग से फर्टिलाइज किया जाता है। लैब के अंदर जो वहाँ पर वातावरण होता है अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, जो उनके हिसाब से सही हो फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वहाँ अलग से ले जाकर उनको फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर उनको गर्भाशय के अंदर इम्पैक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर इसके लिए यहाँ जो गर्भाशय का काम करेगा वो करेगा एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ भी जो कल्चर किया जाता है वो पात्रे संवर्धन किया जाता है, इन विट्रो कल्चर। और इस पात्रे संवर्धन में क्या करते हैं, एम्ब्रियो लेंगे और इस एम्ब्रियो के अंदर हम किसको रख देंगे, सॉरी एम्ब्रियो सैक लेते हैं और यहां हम इसके अंदर एम्ब्रियो को इंपैक्ट कर देंगे, जो डायरेक्टली संवर्धन माध्यम में अपनी वृद्धि नहीं कर पा रहे उनके लिए संवर्धन, पात्रे संवर्धन किया जाता है। पात्रे संवर्धन के लिए हम एक एम्ब्रियो सैक को सेलेक्ट करते हैं और उस एम्ब्रियो सैक में इस एम्ब्रियो को क्या कर देते हैं, इंपैक्ट कर देते हैं, या तो कहें कि उसके अंदर इसको सेट कर देते हैं। तो अब इसको ले जाकर के, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो उपस्थित है अंदर, अब दोनों को ले जाकर के कहां रखेंगे हम, कल्चर मीडिया पर। कल्चर मीडिया पर कुछ समय के बाद में सबसे पहले जो एम्ब्रियो वो मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद में फिर अब इसका फिर यहाँ पर संवर्धन होगा और संवर्धन होने के बाद अब यहाँ इसका निर्माण हो जाएगा, एट लास्ट प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ दोनों ही मेथड्स अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियो यूज में किए जाते हैं। अगर एम्ब्रियो इस प्रकार का है तो उसका सीधा ही यहाँ पर संवर्धन किया जा सकता है तो उसको सीधा संवर्धित कर लेते हैं। अगर यहाँ पर सीधा संवर्धन संवर्धन माध्यम पर एम्ब्रियो का नहीं हो रहा है तो यहाँ पात्रे कल्चर का प्रयोग करके एम्ब्रियो सैक के जरिए उसका क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। अब इसके यूज क्या है, भ्रूण संवर्धन के यूज क्या है, कहाँ प्रयोग में होता है। फर्स्ट, जो आर्थिक महत्व के पादप होते हैं, जो इकोनॉमिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और इन आर्थिक महत्व के पादपों की जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, या फिर कहें कि जीवन चक्र, रिप्रोडक्शन जीवन चक्र से ही शो करते हैं हम, जीवन चक्र कैसा होता है, लंबा, इनके जीवन चक्र को छोटा किया जा सकता है किसके द्वारा, भ्रूण संवर्धन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट थे निकल,
निकल ने मैलस पर प्रयोग किया, मैलस सेब, तो इन्होंने क्या किया कि मैलस का जो नॉर्मली जीवन चक्र होता है 9 से 10 महीने का। बीज का अंकुरण जो होता है वो बीजांकुरण की प्रक्रिया 9 से 10 महीने में होती है। बहुत लंबी टाइम ड्यूरेशन हो गई 9 से 10 महीने की। तो यहां इन्होंने क्या किया, निकल ने इसके एम्ब्रियो को लिया, एम्ब्रियो को लेकर के कल्चर मीडिया में कल्चर कराया। तो यहाँ जो 9 से 10 महीने का टाइम था ये 48 घंटे में सिमट गया। तो इसके बीज का जो अंकुरण था, जो सीड जर्मिनेशन था, ये सीड जर्मिनेशन कितने टाइम में हो गया, 48 घंटे में, जो सामान्यतः कितने टाइम में हो रहा था, 9 से 10 महीने में हो रहा था। तो इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट पादप होते हैं उनके जीवन चक्र को घटाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है, कम समय में अधिक से अधिक पादपों को यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। एंड सेकंड, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर वांछित गुण तो होते हैं, कुछ पादपों में वांछित गुण तो अधिक होते हैं, और वांछित गुणों से हम किस किस चीज को लेके चलते हैं, किसी भी पादप का जीवन चक्र क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, छोटी, प्रतिरोधकता अधिक है, पैदावार अधिक दे रहा है, क्योंकि मेनली हमको तो पैदावार से मतलब होता है पैदावार अधिक, सारे के सारे वांछित लक्षण अधिक हैं, लेकिन जो वांछित गुणों वाला जो पादप है ये आगे वृद्धि नहीं कर पाते, इनकी जो वृद्धि है ये वृद्धि नहीं हो पाती, या फिर कहें कि ये नए पादपों का निर्माण नहीं कर पा रहे। अब नए पादपों का निर्माण नहीं कर पा रहे तो वहीं रुक जाएगी जो प्रक्रिया है वो। तो यहाँ ऐसे पादपों के लिए क्या करेंगे, एम्ब्रियो का संवर्धन करवाते हैं, और एम्ब्रियो के संवर्धन से नए पादपों का निर्माण करते हैं। तो उसके लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट मेथड होता है नए पादपों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट, अगर हमको बीज की जीवन क्षमता देखनी है कि बीज जीवन क्षम है या नहीं है, और बीज जीवन क्षमता है तो कितने समय के लिए है। अभी यहाँ पढ़ा था मैलस के बीज की हमको जीवन क्षमता देखनी है तो 9 से 10 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जर्मिनेट हो रहा है तो जननक्षम है, जीवन क्षमता है, वायबिलिटी है उसके अंदर, और जर्मिनेट नहीं हो रहा है तो नहीं है, तो 9 से 10 महीने का इंतजार हो गया। तो यहाँ बीज की जीवन क्षमता देखने के लिए हम यहाँ एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि 48 घंटे का टाइम लग रहा था जर्मिनेशन में, तो जिसके लिए हमको 9 से 10 महीने वेट करना पड़ रहा था वहाँ हमको 48 घंटे में पता चल जाएगा। तो अधिक बेस्ट है कि बीज जननक्षम है या जननक्षम नहीं है इसको जानने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बीजांड संवर्धन। बीजांड का संवर्धन कैसे किया जाता है, बीजांड संवर्धन इसको जायांग जनन भी कहते हैं, जायांग जनन क्यों कह रहे हैं, बीजांड के अंदर हमको पता है क्या प्रेजेंट है, एग सेल, और इस एग सेल से हमको डायरेक्ट क्या प्राप्त करना है, प्लांट। कैसे, इस एग सेल को हम कल्चर मीडिया पर ले गए, कल्चर मीडिया पर यहाँ कैलस बना, कैलस से प्लांटलेट बना, और प्लांटलेट से यहाँ पर डायरेक्ट किसका निर्माण हो गया, प्लांट। एग सेल हैप्लॉयड है तो प्लांट भी कैसा होगा, हैप्लॉयड। जब यहाँ पर एग सेल या फिर कहें अंडाशय, अंडाशय या एग सेल दोनों एक ही बात है, यहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं हम,
अगर अंडाशय के बिना निषेचन के डायरेक्ट हम एगुणित पादप प्राप्त कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जायांग जनन या बीजांड जनन कहलाती है। अंडाशय से बिना निषेचन के सीधे ही एगुणित पादपों के निर्माण की प्रक्रिया बीजांड जनन कहलाती है। इसको सबसे पहले रिपोर्ट किसमें किया था, सबसे पहले इस चीज को देखा किसमें था कि जायांग जनन या बीजांड जनन की प्रक्रिया होती है, तो इसको सबसे पहले कोर्डियम के अंदर देखा था, कोर्डियम वल्गर ज्वार, सबसे पहले इसको कोर्डियम के अंदर देखा था। उसके बाद में यहां पर ओराइजा सेटाइवा, जियामेज, और भी पादप है जिनके अंदर देखा गया था, टोबेकम, कई पादपों के अंदर इसको बाद में रिपोर्ट किया था कि यहां बिना निषेचन के ही एगुणित पादप प्राप्त किए जा सकते हैं, डायरेक्ट बीजांड से या एग सेल से एक एगुणित पादप का निर्माण संवर्धन माध्यम पर हो सकता है। लेकिन बाद में महेश्वरी और गुहाने, तो यहां पर एक तकनीक का विकास किया था महेश्वरी ने, एक तकनीक विकसित की थी, और गुहा और महेश्वरी का नाम जब हम कभी भी बात करते हैं धतूरा एनोक्सिया के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा धतूरा एनोक्सिया पर इन्होंने ही प्रयोग किए थे, तो यहाँ एम्ब्रॉयड का निर्माण कैसे हो रहा है, एम्ब्रॉयड से प्लांटलेट कैसे बन रहा है, तो इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। तो महेश्वरी ने यहाँ एक तकनीक विकसित की थी, तो महेश्वरी ने क्या किया कि इन्होंने संवर्धन माध्यम पर, संवर्धन माध्यम पर बीजांड को लिया, और बीजांड में से फिर किसको अलग किया, संवर्धन माध्यम पर बीजांड को लिया। पर यहां जिस वक्त हम यह बीजांड का यूज करते हैं, या फिर कहें जिस चयन करते हैं, जिस बीजांड का चयन करते हैं, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो कैसा होना चाहिए, परिपक्व। यहाँ पर जो एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो से पहले एम्ब्रियो सैक को देखेंगे हम, तो ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एम्ब्रियो सैक कैसी होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, एम्ब्रियो सैक परिपक्व होना चाहिए, क्योंकि इस एम्ब्रियो सैक में क्या उपस्थित होगी, एग सेल, और ये एग सेल में चाहिए। तो इन्होंने, महेश्वरी ने बताया कि संवर्धन माध्यम पर हम उस बीजांड का चयन करते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो सैक परिपक्व होता है और एग सेल प्रेजेंट होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है, ऐसे बीजांड को संवर्धन माध्यम पर ले जाएंगे, उसका संवर्धन कराएंगे, वहां से एग सेल को पृथक करेंगे, और एग सेल से डायरेक्ट संवर्धन माध्यम पर हम क्या करेंगे, प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो कंप्लीट प्रक्रिया क्या कहलाती है, बीजांड संवर्धन कहलाती है। आपकी यूनिट 3 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स।